ये कहानी है शिवम नाम के एक 17 साल के लड़के की, जिसका कहना था सोते वक्त उसे हमेशा एक खूबसूरत लड़की के सपने आते हैं। हैरानी की बात तो ये थी, सपने में दिखने वाली लड़की के नाक के ऊपर का आधा हिस्सा कटा हुआ था, जैसे कोई पिज्जा स्लाइस काटा गया हो। शिवम ने जब ये बात अपने माता पिता से बताई तो उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे शिवम के रवैये में बदलाव आने लगा। वो किसी से सीधा मुंह बात नहीं करता, दिन भर वो अपने कमरे में ही पड़ा रहता। उसके दोस्त उसे बुलाने को आते तो उन्हें किसी तरह डरा के भगा देता था। एक दिन की सुबह जब शिवम के पिता उसके कमरे में जाते हैं तो वहाँ क्या पाते हैं, शिवम जमीन पर पड़ा हुआ था और नाक के ऊपर का आधा हिस्सा कटा हुआ था। शिवम की लाश के हाथों में एक तेज धार वाली चाकू थी, जिसे देखकर ऐसा ही लग रहा था